बात बता रहा हूँ, अगर आप कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ठीक है। मैं डर ही खत्म करने के लिए यहाँ बैठा हुआ। अब जैसे एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई का बहुत लोग यूज करने से डर रहे हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि एआई का यूज करना कैसे है। मैं बिल्कुल सिंपल यूज बता रहा हूँ और बिल्कुल फ्री में बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ना ही जिस सॉफ्टवेयर से बताऊंगा उसका कोई चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आप इसके बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि बहुत पैसा लगेगा इसको सीखने में या बहुत कठिन है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं जॉब करने की तैयारी में है, या आप एक ब्लॉग राइटिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पावर तो है, दिमाग तो है, लेकिन आप बस सेंटेंस को सही से फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, या आप कवर लेटर नहीं लिख पा रहे हैं आप अपनी जॉब के लिए, या अपना ईमेल नहीं लिख पा रहे हैं, तो इन सब का एक सोल्यूशन है, बिल्कुल फ्री में है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, ठीक है। बिंग चैट जो है उससे आप ये सभी काम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे, वहां पे आप माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर खोलेंगे, वहां पे आपको बिंग चैट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। बिंग चैट पे जैसे क्लिक करेंगे, जो सामने जो बिंग ये आ रही है ये आ जाएगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद आप बिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, और इसका यूज करके आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। आप अभी आपको दिखा देता हूँ इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं। समझिए कि कवर लेटर ऑफ मार्केटिंग पोजीशन, इसको किस किस टोन में लिख सकते हैं, प्रोफेशनल, कैजुअल, इंफॉर्मेशनल एंड फनी टोन में भी लिख सकते हैं। आपको जिस जिस टोन की आवश्यकता हो उस टोन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ब्लॉग की पोस्ट लिख सकते हैं, या आइडियाज में बुलेट पॉइंट में आप बना सकते हैं। इसका प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो कॉपी आप वाला ऑप्शन है उसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको उसमें कुछ एक्स्ट्रा कमांड देनी होगी तो आप चेंज चेंज द टोन टू कैल, आप उसके बाद एक्स्ट्रा भी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। कवर लेटर तो देखिए बहुत लोगों को लिखना नहीं आता है क्योंकि कवर लेटर से क्या होता है, इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। आप कोई जॉब चाहिए, आप ईमेल में रिज्यूम लिख के भेज दिए, रिज्यूम अटैच करके भेज दिए, कुछ लिखा नहीं, बस पीएफएमआई रिज्यूम, ठीक है। उसके उसकी जगह पे अगर आप थोड़ा सा कवर लेटर अगर लगा देंगे तो इंप्रेशन अलग पड़ता है, ठीक है। कवर लेटर फॉर ए मार्केटिंग पोजिशन, चलिए हम भी लिखवाते हैं कि राइट ए कवर लेटर फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर के लिए रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, इन सिप्ला कंपनी, ठीक है। अब मैं इसको अब जनरेट कराता हूँ। टोन कैसी होगी, प्रोफेशनल, कैजुअल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि प्रोफेशनल जॉब करने ले जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल टोन होगी वहाँ पे। फॉर्मेट क्या रहेगा हमें, क्योंकि कवर लेटर लिखना है तो ईमेल का फॉर्मेट हम ले लेते हैं, ठीक है। अब लेंथ इसकी थोड़ा, अगर शॉर्ट लिखना है तो शॉर्ट है, मीडियम तो हम चलो इसका लेंथ ले लेते हैं शॉर्ट। अब कहते हैं जनरेट ड्राफ्ट। इसके बाद ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग और इसमें इसमें जो जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है उनका यूज करके ये हमारे लिए कवर लेटर जनरेट करना शुरू कर देगा, और बिल्कुल अच्छा सा कवर लेटर जनरेट कर देगा, बिल्कुल अट्रैक्टिव। तो मैं आपको पढ़ के अभी यहीं पे सुनाता हूँ, ठीक है। आप जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। टू हुम इट मे कंसर्न, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पोजिशन एट सिप्ला कंपनी। आई हैव बैचलर डिग्री इन फार्मेसी एंड 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। देखिए कितना बढ़िया लिख रहा है आपके लिए। आई हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अचीविंग सेल्स टारगेट्स, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल। ये आप खुद से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अगर लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, या तो लिख नहीं पाएंगे, बहुत कम लोग लिख पाएंगे। एंड प्रोवाइडिंग एक्सलेंट कस्टमर सर्विस, आई हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ सिप्ला प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन प्रमोट देम इफेक्टिवली टू द पोटेंशियल कस्टमर। आई एम मोटिवेटेड, इंथुजियास्टिक एंड रिलायबल पर्सन हु कैन वर्क इंडिपेंडेंटली फॉर ए पार्ट ऑफ टीम। अब ये सभी आपको यह लिख करके आ जाएगा। योर सिंसियरली, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पे चाहे तो अपना नाम भी यहीं पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, ये भी आपका नाम हो, वहाँ पे नाम लिख दीजिए, और टू हूम इट मे कंसर्न आपको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए, उसको कॉपी करिए, यहाँ से यहाँ देखिए जो कॉपी वाला बना है कॉपी हो जाएगा। फिर अगर आपको पेस्ट करना है तो नोट पैड ओपन कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लीजिए, देखिए सभी चीज़ें पेस्ट हो गई। इसके बाद अपने पास एक ड्राफ्ट बनाकर रख लीजिए, और जब भी आपको नई ओपनिंग नई जॉब का रिक्वायरमेंट आए, आपको लगे कि हमें कवर लेटर भेजना चाहिए, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं मेरे दोस्तों। और इतना ही नहीं, ये तो था आपका कवर लेटर लिखने के लिए। अगर कोई ब्लॉग पोस्ट करना हो, पैराग्राफ लिखना हो, ब्लॉग पोस्ट करना हो, जैसे कि राइट ए ब्लॉग, ठीक है, राइट ए ब्लॉग पोस्ट ऑन ऑन राइट ए ब्लॉग पोस्ट ऑन अपकमिंग इलेक्शन
अपकमिंग इलेक्शन 2024, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। अब उसके लिए अगर आप उसको इसको अगर ब्लॉग लिखना है आपको, तो क्या करेंगे आप, इंथुजियास्टिक या इंफॉर्मेशनल इसको लिखिए, इंफॉर्मेशनल। आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ लिखना है। अब आपको शॉर्ट लिखना है, मीडियम, चलिए हम आपको बताते हैं मीडियम लिखिए आप इसको, जनरेट ड्राफ्ट। उसके बाद ये आपको जनरेट करके दे देगा। धीरे धीरे ये बैकएंड में जो इसमें टेक्नोलॉजी लगी होती है ना, उनका यूज करके वह टेक्स्ट फॉर्मेट में वो जनरेट करता है, ठीक है। अब इंडिया में लिखा, उसने तुरंत इसने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। अगर आपको इंग्लिश में लिखवाना है तो आप डायरेक्ट उसको इन इंग्लिश या इन हिंदी या इन एनी लैंग्वेज कुछ भी कमांड दे सकते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, भारत में आगामी 2024 के चुनाव पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखे, लिखा मैंने ये बोला उसको, भारत में 2024 के चुनाव का इंतजार करने वाले करोड़ों लोगों में से आप एक हैं। तो आपको देखिए कितना बढ़िया लिखा है, भारत संसदीय प्रजातांत्रिक गणराज्य है, जहाँ प्रत्येक 5 साल में संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। संसद में 543 सीटें हैं, जिनमें से 543 का 272 सीटें का पक्ष सरकार का गठन करता है। दोस्तों डेटा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता है, हो सकता है कुछ गलत भी हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप एक ब्लॉग दिखवा सकते हैं अपने लिए, और इसमें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल ब्लॉग आपका ओरिजिनल लगे, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें ऐड सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे ओरिजिनल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए कि कितना सिंपल टूल है, बिल्कुल फ्री में है, आपका कितना प्रोफेशनली भी आपका आपके लिए यूजफुल है, पर्सनली भी यूजफुल है। ईमेल भी लिख सकते हैं, ब्लॉग भी लिख सकते हैं, कवर लेटर भी लिख सकते हैं, अब क्या चाहिए। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरे पास ऐसे सैकड़ों टूल हैं, मैं टाइम आने पर सब बताता रहूंगा आपके लिए। तब तक चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।